कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अब किसान युवाओं ने एक अनूठी पहल की है। सिरसा के एक किसान ने किसान ब्रांड स्टोर करवाया है, यानी अब इस दुकान पर धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट्स किसान नाम से ही बिकेंगे। दुकान के बाहर व अंदर साफ तौर पर लिखा गया है कि नो किसान नो फूड, जियो यूजर से यहाँ पेमेंट नहीं ली जाती। सिरसा के रहने वाले कंवलप्रीत सिंह ने बताया कि राज्यसभा में जब से कृषि कानून का बिल पास हुआ है तो उन्होंने जियो का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए दुकान के बाहर लिख दिया, जियो यूजर से यहाँ पेमेंट स्वीकार नहीं की जाती। उन्होंने बताया कि हमारा पूरा परिवार किसानी परिवार है और हमने किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए किसान ब्रांड रजिस्टर करवाया है। यहाँ बैट, टी शर्ट और पजामे किसान नाम से ही प्रिंट करवाए गए हैं और हर जगह से लोग समर्थन कर रहे हैं। इंडिया के बाहर भी ये तमाम प्रोडक्ट्स भेजे जाते हैं। सर, किसान ब्रांड एक्चुअली हमने बनाया सिर्फ किसानी आंदोलन को सपोर्ट में, और इससे अपना अपनी तरफ से व्यापारी वर्ग का कंट्रीब्यूशन है इसमें भी। हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कि व्यापारी वर्ग भी किसानों के साथ खुलकर समर्थन में है, और हमने ये ब्रांड बनाया सिर्फ किसान की सपोर्ट के लिए। जैसे नाइकी एडिडास ब्रांड है, वैसे हमने इंडिया में किसान आंदोलन रजिस्टर करवाया। हम ये दिखाना चाहते थे कि चाहे बीजेपी गवर्नमेंट, बीजेपी या कोई लीडर कहीं भी जाए, उसके सामने सिर्फ किसान ही दिखेगा। तो सर, आपने बाहर दुकान के जियो यूजर्स की पेमेंट नहीं देने का बैनर लगाया, वो और भी चीज़ें हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे? एक्चुअली जब ये किसान के जो तीन काले कानून जब राज्यसभा में पेश हुए थे और राष्ट्रपति जी ने इसको पास किया था, तब हमने उसी टाइम ही ये डिसाइड कर लिया था कि अब हम अंबानी अडानी का खुलकर विरोध करेंगे, और इसीलिए हमने जियो यूजर, उस टाइम एक ट्रेंड चला था कि जियो सिम को पोर्ट करवाना है, तो ये हमने अपनी तरफ से डिसाइड किया था कि हम कोई भी अगर कोई जियो यूज़र होगा और वो हमें ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो हम उसे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ताकि उसको एक मानसिक ठेस पहुंचे कि हाँ भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो किसान बैंक की मैं बात करूँ, तो आइडिया कैसा है एक्चुअली आपको? बेसिकली एक्चुअली हर जगह हमने देखा कि अपना अपना ब्रांड होता है, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि बाहर की कंपनी इंडिया में आके इंडिया में अपना प्रोडक्ट बेच के इंडिया का पैसा बाहर लेके जा रही हैं और ब्रांड भी अपना चला रही हैं। तो हमने यही सोचा कि एक तो मेड इन इंडिया ब्रांड है, हम प्राउडली कह सकते हैं ये मेड इन इंडिया है, और किसानों का अपना ब्रांड है, सभी किसान भाई इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। पजामे हमने शुरू किए, टी शर्ट्स बन रही हैं, बैट्स बनाए हैं, तो हर बंदा किसान ब्रांड को अच्छे से प्रमोट करने में लगा हुआ है, ताकि वो एक तरह का रोष प्रकट कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ कि हम नाइकी एडिडास से ज़्यादा पसंद हम किसान को करते हैं, किसानी अपनी किसानी को करते हैं, हमारा पहला फर्ज किसानी है। तो लोगों को कैसा सपोर्ट आपको मिलता है इससे? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत ही नामी गिरामी जो खिलाड़ी हैं वो मेरे से स्पेशल बैट्स लेके गए हैं कि हम आज के बाद किसान बैट से खेलेंगे, चाहे तो जो उनके पास पुराने बैट्स थे उसमें भी उन्होंने अपनी लेवलिंग किसान की है। सर, एक बात और, जिस तरह से किसान प्रोडक्ट्स आप सेल आउट कर रहे हो, इसके प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं, मतलब इंडिया में है या बाहर भी इसकी सेलिंग हो रही है? एक्चुअली बहुत से एनआरआई का बहुत बड़ा समर्थन है किसान आंदोलन को, और वो इमोशनली जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से, इसलिए इसका मुझे बहुत सा समर्थन बाहर से भी मिला है। जैसे अभी रिसेंटली मैं आज ही बैट ऑस्ट्रेलिया कोरियर करने वाला हूँ,
तो जो जितने भी लड़के बाहर खेल रहे हैं, जब मैंने इसकी प्रमोशन की तो बाहर से मुझे रेगुलर कॉल आ रहे हैं कि सर हमें भी किसान नाम के बैट चाहिए, किसान नाम के प्रोडक्ट्स चाहिए। तो ये हमारा ब्रांड बनाने का मेन मुद्दा ही यही था कि अगर बच्चे के हाथ में किसान नाम का बैट हो, किसान नाम के उसने सारे वीरिंग पहने हो, तो जहाँ भी कोई जाए, कोई भी नेता कहीं भी जाए तो उसे किसान ही दिखे। तो इस किसान तो गवर्नमेंट के ऊपर भी विशेष दबाव रहेगा कि अब किसान पूरे सिर्फ हरियाणा पंजाब का नहीं, पूरे देश का किसान उठ के गवर्नमेंट के खिलाफ हो चुका है, इसलिए हमें ये तीनों काले कानून वापस करने पड़ेंगे।